वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ की बिहेव बुक के चैप्टर नंबर 1 द फन द हेड के आज हमने आपके ये समरी और साथ ही इसके आपके टेक्स्ट बुक के जो चैप्टर है उसके अंदर से आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपकी जो चैप्टर समाप्त होने के बाद जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पूरे क्वेश्चन आंसर्स का एक वीडियो प्रिपेयर किया है और मात्र ये आपके लिए हमने एक कंटेंट बनाया है। इसी से आप लगभग सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बना देंगे। आइए, ट्रिक क्या है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं ताकि जब मैं आपको आंसर्स बताऊंगा तो आपको कोई वर्ड कोई मीनिंग ऐसा नहीं होगा जो कि टिपिकल लगे और समझ में ना आए। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कहानी क्या है या चैप्टर क्या है। क्लास नाइन्थ की बिहेव बुक का चैप्टर 1 द फन द हेड और इसके लेखक आपके सामने लिखे हुए हैं। द स्टोरी ओपन्स विद अ डायरी नोट ऑफ मार्गी ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। यानी कि कहानी की शुरुआत होती है एक डायरी नोट के साथ जो मार्गी ने पेज पर लिखा और डेट लगी हुई है 17 मई 2157। मार्गी रोट इन हर डायरी टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। मार्गी ने उस डायरी पर लिखा कि आज टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली। मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। मार्गी ने ऐसी पुस्तक पहले कभी नहीं देखी थी। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, बहुत पुरानी पुस्तक थी। पेजेज वर येलो एंड क्रिंकली, जो पेजेज थे वो पीले पड़े हुए थे और उनमें झुर्रियाँ सलवटें पड़ी हुई थी। द वर्ड्स रिमेन द सेम एज दे वर रेड द फर्स्ट टाइम, और जो शब्द थे वो भी जो पहले पढ़े थे वैसे के वैसे थे, यानी उसी जगह पढ़ते, हिल डुल नहीं रहे थे, मूविंग नहीं थे जैसा उनके कंप्यूटर में होता था। इट वॉज स्ट्रेंज फॉर मार्गी टू राइट अ बुक बाय अ राइटर अबाउट स्कूल्स। मार्गी के लिए बड़ा अजीब था कि स्कूल्स के बारे में कोई राइटर क्या लिखेगा। मार्गी एंड टॉमी हैड अ मैकेनिकल टीचर विद ऑल द लेसन्स ऑन अ बिग स्क्रीन, क्योंकि मार्गी और टॉमी के तो जो यहाँ पर हम मैकेनिक की जगह मैकेनिकल कर देते, मार्गी और टॉमी के तो क्या था, मैकेनिकल टीचर थे, यहाँ पर मैकेनिकल कर देते हम, मैकेनिकल टीचर थे मार्गी और टॉमी के। विद ऑल द लेसन्स ऑन अ बिग स्क्रीन, जिनके कि सारे पढ़ाई के पाठ बड़े स्क्रीन पर आते थे। द टीचर वेराइड सब्जेक्ट्स, द टीचर यहाँ पर लिखेंगे टीच, जो टीचर है वो पढ़ाता है टीच वेराइड सब्जेक्ट्स, जो टीचर है वो पढ़ाता है वेराइड अलग अलग विभिन्न प्रकार के विषय। आस्क्ड क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पूछता, गिव होमवर्क, होमवर्क देता था, एंड टेस्ट और टेस्ट देता था। चेक्ड देम एंड कैलकुलेटेड मार्क्स इन नो टाइम, उन टेस्ट को चेक करता और बहुत कम समय में उनकी कैलकुलेशन कर देता था। मार्गीज स्कूल वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम इन हर हाउस, उसके मकान में स्कूल था उसके बेडरूम के बगल में। शी डिडंट हैव एनी क्लासमेट्स, उसके कोई सहपाठी नहीं थे क्योंकि अकेली पढ़ती थी। मार्गी एंड टॉमी लर्न हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड अरिथमेटिक, मार्गी और टॉमी क्या पढ़ते थे, इतिहास भूगोल और अंकगणित। वंस मार्गीज मैकेनिकल टीचर सेटिंग वॉज डिस्टर्ब्ड, एक बार मार्गी के जो मैकेनिकल टीचर था अंदर की सेटिंग गड़बड़ होगी। इट्स ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, इसके भूगोल का भाग थोड़ा तेज हो गया था। इट हैड बीन गिविंग मार्गी टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, ये मार्गी के भूगोल में बार बार टेस्ट के बाद टेस्ट लिए जा रहा था और मार्गी का प्रदर्शन वर्स यानी बुरे से बुरा होता जा रहा था। सो हर मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, इसलिए उसकी माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलावा भेजा। ही टुक इट अपार्ट, उसे एक साइड ले गया, चेक्ड एंड स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, और उसने इसको चेक किया और इसकी स्पीड 10 साल के बालक की पढ़ाई के बराबर कर दी। टू टॉमीज मैकेनिकल टीचर हैड बीन वंस टेकन अवे फॉर नियरली अ मंथ, टॉमी का भी मैकेनिकल टीचर खराब हो गया था, उसको भी 1 महीने के लिए ले गए थे, हालांकि मार्गी का वहीं ठीक कर दिया उसने, लेकिन टॉमी का तो 1 महीने के लिए ले गए थे। क्यों ले गए थे, बिकॉज जो हिस्ट्री सेक्टर था, हिस्ट्री का भाग, हेड
ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली फ्रॉम इट, इससे पूरी तरीके से ब्लैंक्ड आउट यानी खाली हो गया था। अब यहाँ पर ये तो हो गया आपके इनसे मैकेनिकल टीचर्स और इनसे रिलेटेड जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसके नाम से चैप्टर है द फन द हेड, जो मार्गी स्वस्थिति की पुराने ज़माने में जो स्कूल्स थे उसके स्टूडेंट्स क्या फन करते थे, क्या मज़ा लेते थे, वो पार्ट आ रहा है। थोड़ा सा लिखा है लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बन सकता है। टॉमी क्या डिस्क्राइब करता है पुराने स्कूल्स के बारे में, मार्गी क्या बताता है पुराने टीचर के बारे में क्या बताता है, और मार्गी क्या सोचती है, मार्गी क्यों सोचती है कि वो जो स्कूल थे उनमें बहुत आनंद था। मार्गी उसके स्कूल से क्यों हेट करती है, स्कूल से हेट क्यों करती है, क्योंकि आपको पता है परेशान हो गई थी, ना कोई मदद करने वाला सहपाठी है, अपना काम स्वयं करो, एक तरीके से बोर होने वाली स्थिति है। कितना अच्छा हुआ होगा जब सारे एक ही उम्र के बच्चे पढ़ने जाते होंगे, वो तो एक दूसरे की हेल्प भी कर देते होंगे होमवर्क में, ऐसा। तो ये कई सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, आइए देखते हैं। अब यहाँ पर द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल हैड इट्स स्पेशल बिल्डिंग, पुराने ज़माने की स्कूल में स्पेशल बिल्डिंग होती थी जो अभी है अपने, इसकी बात चल रही है 2157 में। और ऑल द किड्स वेंट देयर, सारे बच्चे वहीं जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग, एक जैसी चीज सीखते थे। दे वर ऑफ द सेम एज ग्रुप, और एक जैसी एज ग्रुप उम्र के होते थे। सो दे कुड डिस्कस अबाउट द होमवर्क, इसलिए वो एक दूसरे की होमवर्क में डिस्कस कर सकते थे, विचार विमर्श कर सकते थे, हेल्प कर सकते थे। द टीचर वॉज अ मेन, टीचर एक इंसान होता था, हु टीच द किड्स, जो बच्चों को पढ़ाता था। आस्क्ड क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पूछता था। एंड गेव होमवर्क, और होमवर्क देता था। दे डिडंट टीच एट होम, और टीचर से वो घर पर जो कंप्यूटर टीचर पढ़ाता है वैसे पढ़ाते नहीं थे, बल्कि सब बच्चे कहाँ जाते थे, स्कूल्स में। तो ये चीज़ें मार्गी को बहुत अच्छी लगी, और ये अभी का जो उसका मैकेनिकल टीचर है ये उसे परेशान कर रहा था। वही टाइम हुआ वहाँ जाओ, कितना मज़ा आता होगा जब बच्चे एक दूसरे के साथ स्कूल जाते होंगे, वापस घर लौटते खेलते कूदते आते होंगे, कितना मज़ा होगा, द फन द हेड, कितना आनंद आता होगा। ये इस चैप्टर का नाम है, और ये कहानी इसी वजह से आप लोगों को मार्गी के लिए आप लोगों को बताई गई है कि कैसे मार्गी को ये चीज़ अच्छी लगी होगी, और कैसे उसे ये हेट करती थी पुराने स्कूलों को, ये नए स्कूल्स को जो अब उसके भी हैं, पुराने स्कूल्स को बहुत अच्छा मानती थी। अब आपके जो क्वेश्चन दिए हुए टेक्स्ट बुक में, वो क्वेश्चंस आप देखिए, ये क्वेश्चंस और इनकी जो आपके सामने लाइन्स हैं कहाँ से कहाँ तक है और क्यों है, आप लोग देखिए। आपको सामने नज़र आ रहा है हर क्वेश्चन का, आपको ये मैंने पहला और लास्ट का वर्ड लिखा हुआ है, इससे आपको ये पता लग रहा है कि इसका आंसर आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है और इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक लिखना है। इन क्वेश्चंस के आंसर्स के शुरुआती वर्ड्स और लास्ट के वर्ड्स मैंने लिख दिए हैं, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहे और आपको पता लग जाए कि ये आंसर यहाँ से यहाँ तक है, अलग से कुछ भी नहीं लिया है। जो क्वेश्चंस के आंसर्स इस कमेंट वाले कंटेंट से बन सकते हैं, पूरी कोशिश की है कि इधर उधर से तोड़ मरोड़ के कैसे भी करके हम कोशिश करें और यहीं से इसी पार्ट में आपके लिए क्वेश्चंस के आंसर्स बना दें। इसलिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ये जो हमने कंटेंट बनाया है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो क्वेश्चंस हम आपको कंटिन्यू बता रहे हैं, जो आपको स्क्रीन पर चलते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके आंसर्स नज़र आ रहे हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपके लिए बने हैं। एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म में आपके लिए पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही आपके लिए कंटिन्यू बहुत बड़ी चीज़ को छोटा करके और बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए हम इसे लाते रहेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। स्टूडेंट्स थैंक यू।